सातवीं जेपीएससी की मुख्य परीक्षा को झारखंड सरकार ने स्थगित करने का फैसला लिया है। झारखंड हाई कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट में पीटी परीक्षा में आरक्षण का पालन नहीं होने पर राज्य सरकार को संशोधित परीक्षा परिणाम जारी करने का आदेश दिया है। सातवीं जेपीएससी के खिलाफ दायर याचिका पर आज झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। याचिका पीटी परीक्षा के खिलाफ दायर की गई थी, जिसकी सुनवाई जस्टिस रवि रंजन और जस्टिस एस एन प्रसाद की बेंच में हुई है। सातवीं जेपीएससी परीक्षा परिणाम को लेकर दायर एलपीए याचिका पर आज झारखंड उच्च न्यायालय में माननीय मुख्य न्यायमूर्ति डॉक्टर रवि रंजन एवं न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ में सुनवाई हुई। माननीय खंडपीठ के समक्ष जेपीएससी के द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि इसमें कुछ खामियां हैं, जिसमें कुछ संशोधित रिजल्ट प्रकाशित करने का समय की मांग की गई कि 2 सप्ताह के भीतर संशोधित रिजल्ट प्रकाशित कर लिया जाएगा। उसके बाद जेपीएससी के द्वारा यह बताया गया कि संशोधित रिजल्ट आने के बाद मुख्य परीक्षा ली जाएगी। माननीय खंडपीठ के द्वारा किसी भी प्रकार से परीक्षा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया गया है। माननीय खंडपीठ के द्वारा परीक्षा पर रोक नहीं लगाई गई है, लेकिन जेपीएससी के द्वारा इसमें समय की मांग की गई है कि संशोधित रिजल्ट के बाद मुख्य परीक्षा ली जाएगी, जो 28 जनवरी से होने वाली थी। उस परीक्षा को 15 फरवरी तक के लिए रोकना पड़ेगा। इस दौरान सरकार ने कहा है कि राज्य सरकार 3 सप्ताह में संशोधित रिजल्ट जारी कर देगी। इसके साथ ही राज्य सरकार की ओर से जेपीएससी मुख्य परीक्षा पर रोक लगा दी गई है। यह परीक्षा 28 जनवरी से होने वाली थी। संशोधित रिजल्ट जारी होने के बाद मुख्य परीक्षा की तिथि तय की जाएगी। इस दौरान सरकार ने प्रार्थी की ओर से दायर याचिका को सही बताते हुए मामले में संयम कुमार की ओर से कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। इसके साथ ही यह स्पष्ट हो गया है कि आरक्षण के प्रावधानों का सफलतापूर्वक निर्वहन नहीं किया गया, और जिस तरह से दायर याचिका के माध्यम से मुख्य परीक्षा पर रोक लगाने की मांग की गई थी वो सही साबित हुआ। ऐसे में लगातार जिस तरह से झारखंड में जेपीएससी के छात्रों की ओर से आंदोलन किए जा रहे हैं, उस पर कहीं ना कहीं राज्य सरकार के साथ साथ झारखंड हाईकोर्ट की भी मुहर लग गई है। मुखर संवाद के लिए रांची से अशोक कुमार की रिपोर्ट। उस्ताद आपत में पड़ी है जान, उस्ताद उसके हाथ में तलवार है। तलवार का मुकाबला पाइप से। अरे वाह, आप तो हीरो हो। हीरो मैं नहीं, ग्लाइको पाइप है। अरे बॉस का कॉल। हेलो, आज का हेडलाइन क्या है? आज का हेडलाइन तो ग्लाइको पाइप है सर। ग्लाइको पाइप, हम चुकाते हैं एक एक बूंद की कीमत। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने मुंह, मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।